नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल के बारे में, कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, और फ्री हैंड जो रोटेटेड रेक्टेंगल होता है, सर्कल के बारे में, आर्क के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम जाते हैं एक अपने सिंपल प्रोजेक्ट पे। जैसे सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके एक सिंपल प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन होगा तो हम चलेंगे यहाँ पे इस पे रेक्टेंगल पे। तो यहाँ पे है हमारा रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितने बाई कितने का ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आइसो मोड पे वर्क करते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं। मान लो मैं टॉप पे ही चला जाता हूँ, टॉप पे हम यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, आप एक नॉर्मली रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। आपका एक एक नॉर्मल रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। कैसे भी आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने फ्री हैंड रेक्टेंगल बनाया है, कोई भी इसमें डायमेंशंस वगैरह मैंने यहाँ पे यूज नहीं की है। अब मान लो मुझे रेक्टेंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। मान लो मेरे को रेक्टेंगल बनाना है 200 बाई 200 का, जो भी आपकी यूनिट है। मान लो मैं यहाँ पे यूनिट पे काम करता हूँ, मॉडल इन्फो पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ डेसिमल यूनिट पे, और मैं यहाँ पे सेंटीमीटर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 0 प्रिसाइज किया और अनेबल लेंथ सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए 200 बाई 200 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं लाइन से बनाता तो लाइन से तो यहाँ पे मैं पैरेलल यहाँ पे रेड के जाता, तो यहाँ पे 200 एंटर, फिर यहाँ पे डायरेक्शन 200 एंटर, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ता विद द हेल्प ऑफ लाइन। बट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल लें, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप दूसरे एंड पे क्लिक करने वाले हो, आपको कोई क्लिक नहीं करना, आपको जाना है यहाँ पे डायमेंशन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन प्रोवाइड करूंगा 200, और उसके बाद लगाएं कोमा और फिर करें 200। 200 बाई कोमा 200 आप एंटर करें तो आपका 200 बाई 200 का आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे 200 डायमेंशन की आपकी यहाँ पे लाइन दिखती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी आप अपने डायमेंशन को देख सकते हैं। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को बना के दिखाऊंगा, अगर मैं इसको डिलीट करूं सबको, मान लो मैं रेक्टेंगल यहां से बना रहा हूँ इस वाले कॉर्नर से। ठीक है, यहां से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ ऐसे। अब देखो जैसे ही वो स्क्वेयर बनेगा तो स्क्वेयर पे वो स्नैप करेगा कि आपके स्क्वेयर और बीच में एक प्रोजेक्शन लाइन दिखाएगा स्क्वेयर की। अब लाइन नहीं है, जैसे ही ये करेगा तो वो स्क्वेयर बनेगा, दोनों साइड से इक्वल रहेगी। आप मैन्युअली भी अपनी इस चीज को स्क्वेयर बना सकते हो। क्लियर है, अंडू किया। दोबारा से एक और चीज, वो स्नैप करेगा अगर आपका वो गोल्डन पॉइंट होगा, गोल्डन सेक्शन। गोल्डन सेक्शन का मतलब एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है, गोल्डन सेक्शन होता है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें लेंथ और विड्थ का एक रेशियो इक्वल होता है। कुछ इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हो। बट जब आप रेक्टेंगल यहाँ पे बना रहे हो, अभी तो आपका उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप प्रेस कर देते हो एक बार, कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देते हो, तो जहां पे आपने फर्स्ट क्लिक किया था उसको एज ए सेंटर लेके वो उस रेक्टेंगल को बनाने की ट्राई करेगा। दोबारा कंट्रोल प्रेस करोगे, दोबारा से उसको कॉर्नर लेगा। देखो मैं कंट्रोल प्रेस दोबारा कर रहा हूँ तो दोबारा से इस तरीके से आ रहा है। दोबारा कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो दोबारा से वो उसको एज ए कॉर्नर लेके चल रहा है। दोबारा करेंगे तो उसको एज ए सेंटर लेके चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं शिफ्ट से बनाता हूं तो वो प्रॉपर एक स्क्वेयर ही बनाएगा। अगर आप यहां से कोई भी एक रेक्टेंगल बना रहे हो, कंट्रोल प्रेस किया एंड से आया, शिफ्ट प्रेस करके बनाऊंगा तो वो प्रॉपर एक स्क्वेयर ही बनाएगा, वो लेंथ और विड्थ को इक्वल रखेगा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अपने रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? यहां पे इसके ऑप्शंस भी हैं कि कंट्रोल के साथ टॉगल करोगे अबाउट सेंटर, शिफ्ट को होल्ड करोगे तो लॉक करेगा वो लेंथ और विड्थ को, एरो की हेल्प से वो लॉक कर देगा सरफेस को। अगर आप यहाँ पे बना रहे हो, एरो की हेल्प से सरफेस को लॉक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेक्टेंगल, अभी जो रेक्टेंगल बना रहे हो वो नीचे वाली डायरेक्शन में बना रहे हो, एक्स क्या नाम है, ग्रीन और रेड के डायरेक्शन पे। ये ग्रीन एक्सिस है, ये रेड एक्सिस है। अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो दोनों एक्सिस पे बनाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि ग्रीन सिलेक्शन पे बने, ये इस एक्सिस पे बने,
तो उसके लिए आप राइट एरो प्रेस करें तो देखो यहाँ पे इसके रेड के पैलर बनेगा, रेड के एक्सिस पे बनेगा। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे ग्रीन पे बनेगा। अगर अप एरो प्रेस करेंगे तो आपका कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। मतलब अगर आप अप एरो प्रेस करेंगे तो ब्लू एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा। राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका रेड एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इसको सेंटर में, यहां से मैंने रेक्टेंगल लिया ये वाला और मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, सेंटर है। अब ये बन रहा है ब्लू एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेफ्ट प्रेस किया मैंने तो ये बनेगा देखो किसके परपेंडिकुलर, ग्रीन एक्सिस के परपेंडिकुलर। और अगर मैं बात करता हूँ राइट एरो की तो ये बनेगा रेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जिस एक्सिस पे आपको बनाना है, जिस सरफेस पे आपको बनाना है, तो आप एरोस बटन की हेल्प से इसको टॉगल कर सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको बनाना है। शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो प्रॉपर आपका एक स्केयर बनेगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप अपने स्केयर को यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कितने बाई कितने की डायमेंशन चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वही मैं दोबारा बताऊंगा, सरफेस पे क्लिक करके डिलीट करोगे तो बीच वाला सरफेस डिलीट होगा, डबल क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट लाइंस के साथ सिलेक्ट करेगा, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था नॉर्मल आपका एक रेक्टेंगल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल की। रोटेटेड रेक्टेंगल क्या है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जहां से रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले तो आप एक लाइन दें और उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। मान लो आपने यहाँ पे रोटेट किया तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल क्रिएट होगा। मान लो किसी भी एक्सिस पे गए, आपने ग्रीन एक्सिस लिया और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे बनाना है, आप ऐसे बना सकते हैं। मतलब बेस पे क्लिक किया उसके बाद आप एंगल दे सकते हैं कितना आपको एंगल चाहिए और उसके बाद उसको आप रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखो बिल्कुल बेस पे बना। अगर आपने रेड एक्सिस को स्नैप करके बनाया तो रेड एक्सिस के एज ए सेंटर मान के वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट करके रेक्टेंगल को क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ग्रीन सिलेक्शन को स्नैप करके चलते हैं तो वो ग्रीन एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट करेगा। अगर मैं ग्रीन एक्सिस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रीन एक्सिस को एज ए सेंटर पॉइंट लेके तो इस तरीके से उस चीज को वो रोटेट करता हुआ चलेगा। क्लियर है? तो ऐसे आप रोटेटेड रेक्टेंगल को यहां से क्रिएट कर सकते हैं। वही है रोटेटेड रेक्टेंगल आपने बनाया, डायमेंशंस आपको डालनी है, सेम नीचे डायमेंशंस है वो भी आप डायमेंशन डाल सकते हो कि मेरे को 500x500 का चाहिए तो 500x500 का उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने इस चीज को रोटेट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कल की, अब बात करते हैं यहाँ पे सर्कल की। अगर आपको सर्कल बनाना है तो यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करें। अब सर्कल में थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। नॉर्मल सर्कल बनाना है तो आप एक नॉर्मल सर्कल विदाउट एनी डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सर्कल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अंडू किया मैंने, दोबारा मैंने एक सर्कल यहाँ पे बनाया। मान लो मेरे को सर्कल बनाना है कोई 200 सेंटीमीटर रेडियस का। देखो नीचे आप यहाँ पे मेजरिंग पे देखेंगे कि रेडियस लिखा हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 200, एंटर। तो वो 200 का यहाँ पे बनेगा। मैं इसको यहीं पे रख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे साथ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो रेडियस है 100 का चाहिए, 100 एंटर, 100 का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जितने का भी आपको रेडियस का चाहिए उतने रेडियस का आप एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप सर्कल को ध्यान से देखते हैं तो सर्कल उतना स्मूथ नहीं है जितना स्मूथ हम चाहते हैं। मान लो आपने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे और वो सर्कल उतना स्मूथ नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम सर्कल बना रहे हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्लस पॉइंट प्रेस करें। जितनी बार आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे उतना ही स्मूथ आपका सर्कल यहाँ पे बनेगा। कंट्रोल प्लस प्रेस करें उतना ही स्मूथ आपका सर्कल यहाँ पे बनता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, मैं दिखाता हूँ, जैसे अभी तो ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि नंबर ऑफ साइड कम है। मान लो आपने यहाँ पे ये बनाया, उसके बाद जैसे आप मेजरिंग टूल यहाँ से ओपन करोगे, ये मेजरिंग टूल है यहाँ पे हट गया था। अब बनाने के बाद अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस करोगे देखो आपके नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती चली जाएंगी। जितनी भी आप साइड इंक्रीज करोगे आप उतनी साइड इंक्रीज कर सकते हो, आपका स्मूथ होता चला जाएगा।
कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो आपकी साइड कम होती चली जाएंगी, रिड्यूस होती चली जाएंगी और आपका साइज यहाँ पे कम होता चला जाएगा। मिनिमम आप 3 कर सकते हो, उसके बाद आप प्रेस करोगे तो आपके पास वार्निंग नजर आएगी, कर्व सेगमेंट मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 3 to 999। लास्ट 999 आप साइड रख सकते हैं, मिनिमम 3 साइड्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने साइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, आप अपने सर्कल को यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। पहले सर्कल बनाना है और कंट्रोल प्रेस करके आपको प्लस कर देना है, उतना आपकी स्मूथनेस आ जाएगी। या फिर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ सेगमेंट्स डालने हैं तो आप 5 प्रेस करके एस प्रेस कर दे, 5S एंटर करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, वरना कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप अपने सेगमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉलीगन क्रिएट करना है तो आप पॉलीगन पे क्लिक करें और आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पॉलीगन बनाएं, कितना रेडियस चाहिए वो रेडियस आप डाल सकते हैं कि मेरे को 500 का रेडियस चाहिए, एंटर, तो 500 का रेडियस बन जाएगा यहाँ पे। और रेडियस बनाने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड, मान लो मेरे को 5 चाहिए तो आप करें 5S एंटर, तो आपकी साइड्स यहाँ पे 5 हो जाएंगी। आप यहाँ पे कोई भी बनाएं, कोई भी रेडियस डालें और आप यहाँ पे डाल दें मान लो 8S एंटर, तो आपकी 8 साइड हो जाएंगी। जैसे सर्कल वर्क करता था वैसे ही आपका ये भी इसी तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है? ये होता है आपका पॉलीगन। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आर्क की। चलो आर्क मैं अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा आर्क वगैरह, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वे में। तो ये था आप कैसे सर्कल और आप अपने पॉलीगन रेक्टेंगल और रोटेटेड रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।